हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है, मेरे चैनल पर 75 डेज ब्लॉग चैलेंज की जो सीरीज चल रही है, यानी कि मैं आपको 75 डेज तक कंटिन्यू ब्लॉग देने वाला हूँ, जिसकी टाइमिंग होने वाली सुबह 10 बजे। और इसी ब्लॉग में, इसी सीरीज में हमारा ये 21वां दिन है, यानी कि 21वां ब्लॉग है। तो आपका स्वागत है मेरे इसी से ब्लॉग में। तो आप लोग को पता है कि मेरे घर में पिछले कुछ दिनों से काम चल रहा है, ठीक है। बाकी तो ये कमरे में देखिए पूरी टाइल्स लगी थी, कल बरांडा में टाइल्स लगी थी, किचन में लग चुकी थी, और आज जो काम होना यहाँ पर देखिए, ये किचन की जो आप लोग पट्टियाँ देख रहे हो, ये देखो सब उखाड़ी पड़ी, यहाँ पर देखो सब तोड़ा फोड़ा पड़ा है। इसके ऊपर पत्थर लगेगा, तो इसके ऊपर पत्थर लगेगा और यहाँ से दीवार दीवार के इतनी तक टाइल्स लगेगी। तो फर्श कंप्लीट हो ही चुकी है, किनारों किनारों में छोड़ा है, तो वो अपने हिसाब से करेगा कुछ। और उसके बाद आज जो है पत्थर ढाली जाएगी, उसके बाद घिसाई होगी, घिसाई के बाद टाइल्स लगेगा। तो अब इतना काम जो है किचन का बाकी। बाकी बरांडा देखिए आप लोग, हॉल पूरा एरिया देखो कितना चकाचक लग रहा है, मस्त क्लीन लग रहा है। देख लें आप लोग, ये किचन से निकलो, ये देखो हॉल, और सामने रहेगी टीवी। तो अब लग रहा है फाइनली कि हाँ काम हो रहा है। और इस और ये वाली देखिए इतनी अच्छी डिजाइन दिख रही। तो पिछले 4 दिन से काम बंद ही था, आप लोग को पता ही है, कुछ 4 दिन मतलब लागे की प्रॉब्लम हो जाते हैं, लेकिन अब दो तीन दिन से लग रहा है कि हाँ अब थोड़ा बहुत काम हुआ है। तो यही चीज़ है। बाकी सुबह सुबह का टाइम है, आपको टाइम दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पर हमारे भाई जी सो रहे हैं, देखो टाइल्स के नीचे ही गद्दा बिछा कर, 7:30 बज रहा है। जब से टाइल्स लगी तब से बढ़िया यही गद्दा लगा के सो जाता है, क्या करें, अच्छा लगता है, उसकी बेड की जरूरत ही नहीं, गद्दे पे ही आराम से सो जाओ। सो गाइस, अभी आखिर दिन जा रहे हैं स्कूल छोड़ने, उसके बाद आते हैं नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर जैसा अपडेट होता है आपको बताते हैं। सो गाइस, आज तो ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाए, तो अब आपको छोटा सा एक अपडेट दे देते हैं कि कितना काम हुआ है यहाँ पर। जैसे आप लोगों को दिख रहे हो हॉल एरिया में हुआ था, तो अभी फिलहाल टाइल्स आप लोगों को गंदी लग रही है, मतलब धूल मिट्टी बहुत जमा हो गई। आप लोग नीचे देखिए, ये देखो टाइल्स का जो कलर है वो साफ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पर आपको दिखा रहे जैसे ही देखिए है, अभी देखना लात मारेंगे कितनी धूल निकलेगी, ये देखो कैसे साफ हो रहा है। तो यहाँ पर पूरी धूल जमा है, वो किस वजह से जमा है, तो आज जो काम हुआ है यहाँ पर देखिए आप लोग, किचन की दीवार देख रहे हैं, ये देखो ये अलग दिख रही है, ऊपर देखिए अलग दिख रही है। तो पहले ऐसी दीवार थी हमारी, मतलब पेंट वेंट सब लगा था, लेकिन उसके बाद देखिए ऐसी हो गई। तो हुआ क्या है, यहाँ पर यहाँ यहाँ से टाइल्स लगनी दीवार पे, इतने से पूरा ऐसे टाइल्स लगनी, तो दीवार को छीली जा रही, मतलब दीवार को मशीन से छील रहे हैं। तो पूरा दिन मतलब एक लेबर लगा था उनके साथ, तो ये दीवार देखो कैसे पूरी मशीन से छीली गई, देखिए किस तरह से नीचे नीचे आई गई, ये देखो। तो जितनी जितनी मतलब छीली जा रही, ये देखो यहाँ से, तो यहाँ से टाइल्स लगनी है, ये देखो ये मशीन रखी यहाँ पर, इससे छीला जा रहा है। तो कल जो सारा दिन देखे, ये ऊपर का पोर्शन इतना छीला, उसके बाद ये देखो नीचे छिल गया, उधर नीचे ये देखो छिला है, उसके बाद यहाँ तक छील दिया, ये वाला पोर्शन बीच वाला छिल गया है, ऊपर वाला छिल गया है। अब नीचे वाला पोर्शन देखिए, नीचे वाला बाकी है, पूरा ऐसे करके पूरा ऐसे लाएंगे यहाँ तक, और ये देखिए ये छीलेंगे, उसके बाद ये छीलेंगे, तो पूरा ऐसे करते करते ये जो बॉर्डर देख रहे हो यहाँ तक जो है दीवार को छीली जाएगी पूरी। तो आज जो है, आज भी टाइल्स का काम नहीं होगा, केवल आज छिलाई होगी, क्योंकि छिलाई होने पर इतनी धूल निकलती है ना, क्या पता यहाँ एकदम कोहरा छा जाता है, एक तरह से धूल इतनी उड़ती है, आप यहाँ बैठ नहीं सकते हो। देख रहे जैसे यहाँ पर देखिए कितनी धूल जमा है, ये देखो कितनी धूल जमा है, देखो पटिया पे, नीचे देखो आप लोग, अभी नई टाइल्स लगी और धूल देखो, अगर इसमें झाड़ू लगाया जाए ना तो कम से कम एक बोरी धूल निकलेगी। तो कल यही काम हुआ, उसके बाद यहाँ पर स्कॉटिंग लगी थी, आपको दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप लोग साइड में, ये स्कॉटिंग लगी कल वाले वीडियो आपने देखा होगा, यहाँ पर जगह खाली होगी, यहाँ पर भी जगह आपको खाली दिख रही होगी, यहाँ पर ये देखिए टुकड़े लगाए गए, ये देखिए, और ये स्कॉटिंग लगाई गई साइड में। तो कल ये वाला काम हुआ है, तो इसीलिए और कल सारा दिन मतलब पत्थर वत्थर भी लाने गए थे, पत्थर आपको दिखा देते हैं, वो किचन टॉप के लिए जो पत्थर थे वो लाने गए थे। तो यहाँ पर देखिए ये पत्थर, कुछ टुकड़े यहाँ रखे और कुछ टुकड़े जो है बाहर रखे गए। तो यही था, तो कल जो है ज़्यादा ब्लॉग ही नहीं कर पाए, कल क्या आज मतलब ज़्यादा ब्लॉग ही नहीं कर पाए। तो अभी चलाओ थोड़ा सा आपको अपडेट दे देते हैं, पत्थर वत्थर लाना, मतलब कि पत्थर लाने चले गए तो उसी में टाइम लग गया था, उसके बाद बहुत सारा काम हो जाता है, बता रहे घर के काम में जब उलझ जाओ ना तो काम इतना हो जाता है क्या बताएं। तो अभी आप लोग को छोटा सा अपडेट दे देता हूँ बस एक ब्लॉग के रूप में, बाकी ब्लॉगिंग अच्छे से हो ही नहीं पा रही इस समय, क्या करें। आप लोग को देने का हमने वादा किया, चैलेंज लिया है, वीडियो तो मैं दूंगा, ठीक है वीडियो तो मैं आपको दे के रहूँगा, ब्लॉगिंग अब कैसे करनी किस तरह से करनी वो सारी चीज़ें मुझे मैनेज करनी है, यही तो एक ब्लॉगर की लाइफ होती है।
ये अपडेट दे दिया। बाकी आज का भी मैंने आपको मतलब कल का जो काम बता दिया, कल क्या काम होना है, कल जो है वो केवल छिलाई होनी दीवार में बस। कल जो है मिस्त्री ने बोल दिया कि कल हम नहीं आएंगे, केवल छिलाई करेंगे बस आके, क्योंकि छिलाई जब होती है दीवार की तो यहाँ पर कोई बैठ नहीं पाता, दूसरा काम हो ही नहीं पाता। तो छिलाई होने के बाद परसों फिर जो है, फिर परसों जो है पत्थर जो लाए थे वो ढाली जाएगी, उसके बाद फिर टाइल्स लगेगी। यानी कि दो दिन कल छोड़ के 2 दिन और लग जाएगा किचन में, 2 से 3 दिन। तो अपना इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाए थोड़ा अच्छा लगे, और धूल मिट्टी देखो कैसे जमी है। तो यही अपडेट था। तो कोई नहीं, आपको बस कुछ ही टाइम का इंतजार हो रहा है, बाकी फिर अच्छे अच्छे ब्लॉग दूंगा मैं, जरूर दूंगा। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग पेपर खत्म करते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, जैसे कि आप लोग को पता ही कि हमारे चैनल पर 75 डेज हार्ड चैलेंज जो सीरीज जो चल रही है, इस पर आप लोग अपना थोड़ा प्यार और सपोर्ट दिखाइए। बाकी मैं चैलेंज को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और चैलेंज कंप्लीट करके ही रहूँगा। बाकी आप लोग मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।